राधे राधे जी। वृंदावन की पावन धरा से मस्त दीपक बृंदास दीपक श्री हरि के दास दीपक की शाम की चाय के साथ, शाम की 6 बजे की चाय के साथ प्रेम भरी राधे राधे। मौसम बहुत ही औसम और जबरदस्त बादल छाए हुए हैं। आज दिन में थोड़ी बहुत बारिश हुई थी वृंदावन की, और मैं इस समय अपनी बालकनी में बैठा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं खुली बालकनी। चाय बनाकर लाया हूँ क्योंकि 6 बज रहे हैं, और चाय पी के अब मैं वृंदावन जाऊँगा, फिर कोई ना कोई ब्लॉग बनाऊँगा। ये ब्लॉग आप सबके लिए बनाने पड़ते हैं, आजकल काफ़ी ड्रेसअप आई हैं, ये कई सखियों का आया प्रभु जी ड्रेसअप के लिए बताओ, तो हर वीडियो में ड्रेसअप बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ऐसा मैसेज भी आया, प्रभु जी वृंदावन वास कैसा मिलता है और कैसा फील हो रहा है, तो चलिए कुछ बातें करते हैं, छोटा सा वीडियो बनाता हूँ। पहले चाय पी लूँ, चाय को बहुत अच्छी लगती है स्ट्रॉन्ग, मैं 3 दिन बाद पी रहा हूँ घर के चाय, ये कप है मेरा। मैं 2-3 दिन में एक बार चाय पीता हूँ, ज़्यादा मैं दिल्ली में होता हूँ तो बहुत चाय पीता हूँ, दिन में 3-4 बार हो जाती है, यहाँ नहीं पीता हूँ। यहाँ पर तो मैं बस सुबह शाम अपना दूध पीता हूँ, रात को सोते हुए हल्दी का दूध पीता हूँ, और सुबह उठ के अपना नाश्ता करता हूँ दूध का, क्योंकि कुछ कुकिंग बनाना मुझे आता नहीं है। ठीक है, साथ में आप देख सकते हैं ये मेरी चाय है, ये मेरी कुकीज़ है, तो और ये बालकनी है सदाबहार मेरी बालकनी, और आपका सदाबहार दोस्त है। और चलो बातें करते हैं कि वृंदावन की मस्ती कैसी होती है, वृंदावन में वास का क्या अनुभव है। पहली बात, वृंदावन में वास करोगे तो ऐसा मन विचलित हो जाएगा, माया ऐसा खेल खेलेगी तुम्हें ऐसा भगाने की कोशिश करेगी। और इसके लिए सबसे पहले एक लाइन बोलता हूँ कि ब्रज की मस्ती इतनी नहीं सस्ती, ध्यान दीजिएगा कि ब्रज की मस्ती इतनी नहीं सस्ती जो हर किसी पे चढ़ जाए, समझ लेना एक एक शब्द को, ये श्री जी की प्रेरणा से बोल रहे जो मन में भाव प्रकट हुए हैं, कि ब्रज की मस्ती इतनी नहीं सस्ती जो हर किसी पे चढ़ जाए, और जिस पे चढ़ जाए ब्रज की मस्ती उसकी किस्मत ही सवर जाए, और खुद की हस्ती मिटानी पड़ती है ब्रज की मस्ती के लिए। पहली बात तो ब्रजवास से ये, तो खुद की हस्ती मिटाओ, मैं मेरा खत्म करो, अपने आप को इतना समझ लो ये संसार में हर रिश्ता तुम्हारा झूठा है और तुम किसी के नहीं हो सिर्फ गोविंद के अलावा। हर जन्म में माँ बाप यार दोस्त भाई बहन दुश्मन सब बदलते हैं, लेकिन हमारे प्रिय प्रीतम नहीं बदलते, वो सदा हमारे साथ थे, सदा हमारे साथ हैं और सदा हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि हम इस धरा पे उन्हीं का अंश है और उन्हीं का वंश है। महाभारत में ये अर्जुन महाराज ने पूछा था कृष्ण जी से कि मैं तो अपने पूर्वजन्म को जानता नहीं, तो श्री कृष्ण ने कहा था ऐसा कोई पल नहीं है, ऐसा कोई युग नहीं, कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे कौंते, अर्जुन को बोलते रहे कौंते क्योंकि कुंती पुत्र थे, कि जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था, बस तुम्हें याद नहीं है और मुझे सब कुछ स्मरण है, सब कुछ मुझे याद है। भाई भगवान है उन्हें तो याद होगा, तो त्रिकालदर्शी हैं, उनका ना आदि है ना अंत है। तो वृंदावन में ना एक बात समझ लो, आपको अपने आप को भूलना पड़ेगा, आप संसारिक बातों को भूल के आओगे तभी होगा, और संसारिक बातों को भूलने की कोशिश करोगे और ज्यादा अपडेट होगी, ये माया खेल खेलती है। मेरे साथ बहुत होता है, शुरू के 3 दिन बिछली था, 4 दिन बिछली था, मैं क्यों आ गया, कैसे होगा, तब की वृंदावन में वास करना है, और आज 5 महीने होकर ऐसा लगता है कि वृंदावन छोड़ के जाना नहीं है। कभी भी दिल्ली अपनी धर्मपत्नी से बात करता हूँ, मैंने कहा नहीं वापसी का तो मैटर नहीं, वो नहीं बुलाते एक बात है, मैंने कहा नहीं वृंदावन अब चाहे ठाकुर जी हंसाएं या रुलाएं, श्री जी रहना अपने ब्रज में ही है, बस ब्रज 84 कोस में श्री जी ने मुझे बहुत अच्छी जगह बहुत शानदार 2 BHK की कुटिया में बिठाया। तो माया भी लोग तुम्हारी जिंदगी आएंगे, मेरी जिंदगी में आए, माया भी लोग ऐसी आई कि बहुत ज्यादा उसने मेरे को विचलित किया, लेकिन ठाकुर जी ने सब इन मायावी लोग को निकाल दिया, क्योंकि मैंने बोले ठाकुर जी जो मेरे लिए अच्छा हो उसको मेरे साथ जोड़ो, बाकी सबको अलग कर दो, और मेरे लिए अच्छा यहाँ के ब्रजवासी, यहाँ के संत महात्मा, यहाँ की भागवत, ये संसारिक लोग में, ये संसारिक लोग मायावी है, चाहे वो भी वृंदावन में आ रहे। देखो एक बात समझना, क्या कहते हैं ना वृंदावन में आके संसार से उलझे हुए, अगर आप संसार में उलझे हुए हो और संसार की बातें करो, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, संसार में उलझे हुए संसार की बात कर रहे हो, संसार के लोगों के साथ जुड़े हो, आधे घंटे घंटे बात कर रहे हो, तो समझ लो तुम संसार में ही हो, यहाँ पे आके सबसे रिश्ता खत्म कर दो, चाहे तुम्हारा कितना प्यारा क्यों ना, समझो मेरे शरीर के जो रिश्ते हैं दिल्ली में, मैंने उनके प्रति जो व्यवहार है पूरा करता हूँ, कभी उनको मेरी जरूरत होती है मैं चला जाता हूँ, अपना कार्य पूरा किया, श्री जी को कहता हूँ हे गोविंद भाई अपना तू चल साथ, अपना कार्य चल के पूरा करवा दे, क्योंकि उनका दिया हुआ रिश्ता है, भले ही मेरे कर्मों के हिसाब से मिला लेकिन मेरे प्रभु का दिया हुआ है, मेरे युगल जोड़ी का दिया हुआ है, तो उनको मैं आगे रखकर ये कार्य करता हूँ और मैं आनंद से रहता हूँ। अपने क्या होता है अपने नाम जप करता हूँ सुबह शाम, जो है वो गुप्त रूप से करता हूँ, दुनिया में नहीं गाता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान समझ लो, अगर दुनिया में आके दुनिया से जुड़े रहोगे,
दुनिया की बातों में उलझे रहोगे, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, फिर कभी भक्ति नहीं कर पाओगे, कभी नाम जप नहीं कर पाओगे। 16 माला तो दूर की बात है, 1 माला भी बहुत दूर की बात है, एक बार भी नाम नहीं ले पाओगे। राधे 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 राधे, इस नाम को बोलने के लिए ना, इस नाम का रस लेने के लिए अपने आप को शून्य करो, और ये नाम ही शून्य करेगा। संसार के रिश्तों को मान के चलो, वो व्यवहारिक है, वो संसारिक है। मैं कहता रहा यहाँ पे आके मुझे कुछ रिश्तों ने विचलित किया, एक ने तो ऐसा किया जिसके लिए मैंने बहुत कुछ किया, इवन धन से भी उसके लिए किया, उसने भी मुझे विचलित किया, मैंने इग्नोर कर दिया, धक्का दो। प्रभु कहते हैं कि तू मेरा है, बस मुझ में ध्यान रख, जो तुम्हें, देखो मैं ये नहीं कह रहा उनको मत ठुकराओ जो तुम्हें भक्ति मार्ग में साथ तुम्हारे चल रहे हैं, उनको ठुकराओ जो भक्ति मार्ग से तुम्हें विचलित कर रहे हैं, ये बात समझ लो। तो यहाँ के कुछ माया गेम खेलती है, ठाकुर जी के कहने पे गेम खेलती है, भाई परा किसे, ये रहना है नहीं रहना। हम तो कहते हैं खुद को कर दिया तेरे हवाले प्रभु, अब तुम जानो क्या करना है, माया में अपनी रखना या चरणों में अपने रखना है, प्रभु अब तुम जानो, हमें तो तुम्हारे चरणों में रहना है, हमें तो ब्रजवास करना है, हमें तो आपके, हे श्री जी हे लाडली जू, हमें तो आपके चरणों में रहना है। तो ये चीज समझ लो, मैंने प्रेमानंद बाबा जी से भी सुना है और कई संतों से भी सुना है, राजेंद्र दास जी के वहां भी कई संतों से सुना है, जो सुनता रहता हूं जो होते हैं, कि ऐसे 10-10 साल रह के भी लोग वापसी हो जाते हैं, 20-20 साल रह के भी वापसी हो जाते हैं, और यहाँ रहते हुए भी निंदा कर रहे होते हैं। भाई मत करो निंदा, जो तुम्हारे को विचलित कर रहा है उसको साथ छोड़ दो, चाहे तुम्हारा कितना भी संगी। जैसे मैं संसार के अपने सब यार दोस्त छोड़ा है, अधिकतर मेरा सारा फीमेल सर्कल यार दोस्त, तो मैं क्या बोलूं वचन के, उनसे कभी समय से हो गया था, फीमेल सर्कल है, उनसे भी मेरा ना के बराबर रिश्ता हो गया, नहीं करता। जो भक्ति मार्ग में प्रभु की बातें करनी है उन्हीं वही फोन कर सकते हैं, वो भी तब दोपहर को, ना रात को क्योंकि अपने नाम जप में होता है, या सुबह नहीं, बस दोपहर को, वो भी अगर मेरा मन होगा बात करना तो करूंगा। माला होगी, जैसे हमारी एक सखी है होटल से, उसका फोन आया, वो ठाकुर जी के श्रृंगार करती है, मैं माला कर रहा था नहीं फोन उठाया, अब मैं उसका क्या, कहती नहीं प्रभु जी बस ऐसी बात करने का मन हुआ, कि मुझे पता ना साफ दिल की इंसान है, गलत बात नहीं करेंगी। तो संसार से अगर हटके यहाँ पे रहोगे तभी आनंद लोगे, यहाँ आके फोन में लगे हुए दुनियादारी की बातों में लगे हो, फायदा कुछ नहीं, संसार में रहो, क्योंकि यहाँ आपको सुविधा नहीं मिलेगी फिर संसार वाली, संसार की बातें मिल रही फिर संसार भी चाहिए, यहाँ सुविधा ही नहीं है, ये समझ लो, समझ गए। तो इसलिए आनंद लेना है तो अपने वहां अपने आप की हस्ती मिटाओ, संसारिक हस्ती मिटाओ, गोविंद की मस्ती चढ़ाओ, ब्रज की मस्ती सबसे सच्ची, बिंदास इंसान हो जाता है जब वृंदावन में आता है। ठीक है, मेरी नजर में तो कि ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है, ब्रज में रहने वाला हर प्राणी सबसे सुंदर है। चलते चलते एक वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी 27 तारीख की, अरे भैया देखो मेरी चाय भी ठंडी, इसमें मिलाई जम गई, इसे अब गर्म करके लाना पड़ेगा। चलो अपनी वाणी विराम करता हूँ, कि ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है, ब्रज में रहने वाला प्राणी सबसे सुंदर है। इसलिए चाय के साथ जो गुफ्तगू हुई है इतनी बात समझ लो, चलो एक सिप मान लो पहले, इतनी बात समझ लो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे सखा सखियों, कि ब्रजवास चाहते हो संसार से रिश्ता जोड़ो, रिश्ता तोड़ो, सॉरी संसार से रिश्ता तोड़ दो, वरना अगर संसार से जुड़े रहना तो यहाँ रह नहीं रहेगा, यहाँ रहना ना रहने के बराबर है। ठीक है जी, तो मेरा अनुभव ये है, बहुत अच्छा अनुभव है, आनंद आता है, शाम को अपने गोविंद के पास जाता हूँ, गलियों में घूमता हूँ, जहाँ मन में प्रेरणा होती है वहाँ जाता हूँ, किसी से मतलब नहीं। कोई मेरे से कहता है प्रभु जी आप फलाने गोसाई को जानते हो, नहीं जी मैं नहीं जानता, मैं 2000 से दे रहा हूँ, मैं किसी गोसाई से, देखो मैं ब्रजवासी को सम्मान करता हूँ लेकिन किसी से कोई रिश्ता बनाने नहीं आया, मेरा रिश्ता मेरे युगल जोड़ी से बस, सभी ब्रजवासियों का सभी गोसाइयों का सम्मान, लेकिन मैं किसी को नहीं जानता और मुझे दर्शन करने के लिए किसी गोसाई की जरूरत नहीं है। मैं जाता हूँ अपने गोविंद की जिस प्रेरणा में, जिसने जिस मंदिर की प्रेरणा होती है वहाँ पे जाके उनके दर्शन करता हूँ, चुपचाप आया था, मुझे अपनी ना पहचान बनानी, मैं गुप्त रूप से आनंद में रहता बस जी। जो आते हैं माला पहन के आए, देर दक्षिणा दे के आए, मैं ऐसा वो नहीं हूँ, मेरे को कृपा माला पहन के पैसे दे के नहीं चाहिए, मेरे पे कृपा वैसी ही बरस रही मेरी श्री जी की, जो उन्होंने मुझे ब्रजवास दे दिया। तो चलिए, चाय के साथ आपके साथ बहुत अच्छी गुप्त हो गई, इसलिए वृंदावन में वास करना है तो संसार से रिश्ता तोड़ना सीखो। मेरी कई ऐसे मित्र भी हैं, ठीक है, जिन्होंने संसार में यही नहीं बता रहा ब्रजवास कर रही हैं, और है तो वो बात ही नहीं करती हैं, मैं उनसे वार्तालाप कभी कभी करता हूँ, अभी थोड़े दिनों पहले ही मिली थी, कहती है नहीं मैंने अपने घर में नहीं मैटर रखती, सब कुछ है, एक है जो अपने पति अपने बच्चे माता पिता को लेके आ गई, वो संसार से मैटर नहीं है, पति से अलग हो गई, कई ऐसी है जो पति से अलग हो गई, अपने बच्चों को लेके यहाँ रह रही है, संसार से मैटर नहीं है, मुझसे भी मैटर नहीं और मेरा उनसे भी मैटर नहीं है, मंदिर में मिलते तो राधे 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 है। ठीक है जी, अगर ब्रजवास चाहिए एक तरीका और, अगर ब्रजवास सबसे बड़ी बात, हाँ ब्रजवास कैसे मिलता है, माँ यमुना जी की कृपा से, ब्रज रानी की कृपा से और राधा रानी की कृपा से, गोविंद तुम्हें ब्रजवास नहीं देगा, ब्रजवास मिलेगा तो श्री जी की कृपा से, माँ यमुना की कृपा से, ब्रजधाम की कृपा से, बस ये याद रखना।
और घर में जिसके तुलसी मैया जो जोत करते हैं शाम को, तुलसी मैया राधा रानी की सखी हैं, इसलिए तुलसी मैया को जब आरती करते हो उसके बाद में बात करो, हे तुलसी मैया श्री जी के चरणों में प्रार्थना करिए, हमारी तरफ से अर्जी बचाइए कि हमें भी ब्रजवास दे, वो आपकी बात वहां तक पहुंचाएगी। चलिए ये वाणी में विराम करता हूँ चाय की चुस्की के साथ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को वृंदावन की पावन धरा से दास दीपक मस्त दीपक बिंदास दीपक की प्रेम भरी जय जय श्री राधे श्याम, राधे राधे ब्रजवास करा दे, राधे राधे श्याम मिला दे, और जन्माष्टमी 27 अगस्त की है।